और देखिए 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये रही आपके सामने। खार्किव में रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला हुआ है। शहर पर रूस ने किए 15 से ज्यादा हमले। शहर के संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया निशाना। एक और अहम खबर है, ओडिशा में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, रूसी हमले में यूक्रेन को पहुंचा है भारी नुकसान। एक और बड़ी खबर, रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में अलर्ट जारी हुआ है। यूक्रेन के 13 इलाकों में एयर रेड अलर्ट, राजधानी कीव में भी एयर रेड अलर्ट जारी हुआ। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, रशियन वॉर क्राइम पर पेंटागन का बड़ा फैसला। पेंटागन ने प्रमाण जारी करने से बाइडेन प्रशासन को रोक दिया है। रशियन वॉर क्राइम के सबूत जारी करने से रोका गया। और अगली बड़ी खबर, पुतिन को जेलेंस्की ने दिया कड़ा संदेश। जेलेंस्की ने पुतिन से मिलने से किया इनकार। जेलेंस्की बोले, रशियन लीडर अब भरोसे के लायक नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका ने भविष्यवाणी की है, रूस यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने जारी किया एक्शन का वीडियो। खतरनाक हथियारों से हमला करते दिखे सैनिक, यूक्रेनी सैनिकों ने लगाया अचूक निशाना। एक और बड़ी खबर, भीषण जंग के बीच यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग। यूक्रेनी सेना ले जा रहे मोर्टार दागने की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद फ्रंट लाइन पर रूसी सैनिकों से सामना होगा। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूएन पर बड़ा बयान। यूक्रेन के युद्ध से यूएन के भविष्य का फैसला होगा। यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए हमारी लड़ाई जारी है।